उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव होने वाले हैं, जिसे देखते हुए सभी पार्टियां सक्रिय हो गई है। कोई भी पार्टी इस बार कोई भी रस नहीं लेना चाहती, इसी को देखते हुए समाजवादी पार्टी भी सक्रिय हो गई है। पार्टी में बड़े बदलाव भी देखे जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने इन दिनों अपने पोस्टर्स में राम मनोहर लोहिया के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भी फोटो लगानी शुरू कर दी है। पार्टी में बड़ा परिवर्तन इस बात की तरफ इशारा है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की नजर अब यादव और मुस्लिम वोट बैंक के साथ दलित वोट बैंक पर भी है। अखिलेश यादव इससे पहले समाजवाद के सहारे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन 2019 लोकसभा चुनावों में अखिलेश ने मायावती के साथ गठबंधन कर अपनी रणनीति में बदलाव किया और राम मनोहर लोहिया के साथ भीमराव अंबेडकर को भी अपनाया और उन्हें भी अपने पोस्टर्स में जगह दी। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जो गठबंधन किया था उसमें सीटों के बंटवारे में सपा एक कदम नीचे ही रही थी। यही नहीं, साल 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को बहुजन समाज पार्टी की तुलना में भारी नुकसान उठाना पड़ा था। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ताओं और आम लोगों ने भी माना कि समाजवादी पार्टी ने आत्मघाती कदम उठाते हुए बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ने और फलने का खूब मौका दिया, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। समाजवादी पार्टी की तुलना में बहुजन समाज पार्टी को दोगुना सीटें मिली। यह हाल लोकसभा चुनाव का था। बसपा शून्य से 10 सीटों पर आ गई, वही समाजवादी पार्टी को 5 सीटों से ही सब्र करना पड़ा, जिसके बाद मायावती ने भी उनके साथ गठबंधन तोड़ दिया। अब शायद अखिलेश यादव ने भी यही सोच करके सब्र कर लिया कि 2019 का लोकसभा चुनाव उनकी किस्मत में नहीं था। लेकिन अखिलेश यादव डॉक्टर मनोहर लोहिया के साथ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की फोटो लाकर इस बात को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो दलितों के नेता भी हो सकते हैं। साथ ही वो संदेश देना चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी से असंतुष्ट या पार्टी से निकाले जाने वाले लोग इस बात को समझें कि बीएसपी के बाद उनका दूसरा ठिकाना कांग्रेस या बीजेपी नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी है। अखिलेश लगातार इस बात को भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दलित वर्ग से जुड़े चेहरों को मंच पर महत्व दी जाए। इसी दिशा में बढ़ते हुए पिछले दिनों में जिस तरह से समाजवादी पार्टी की कई सारे पदाधिकारियों का फेरबदल हुआ, तो उसमें भी सपा मुखिया ने दलित वर्ग से आने वाले लोगों को अच्छी खासी तवज्जो दी।